स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द टॉपिक सॉइल एंड इन दिस वी स्टडी सॉइल एंड क्रॉप। द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स फॉर्म्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। इन सम पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज लूमी सॉइल, वेयर इज इन अदर पार्ट देयर इज ए सैंडी सॉइल। तो इंडिया के कुछ हिस्सों में क्लेई सॉइल है, कुछ हिस्सों में लूमी सॉइल और कुछ हिस्सों में सैंडी सॉइल मिलता है। तो सॉइल इज अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सॉइल जो होता है हमारे जो क्लाइमेट यानी मौसम के प्रभावित करने वाले कारण जैसे विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी के द्वारा प्रभावित होते हैं। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं विंड, रेन, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी और एज वेल एज टाइप ऑफ सॉइल, और ठीक उसी प्रकार से किस तरह की जो सॉइल वहाँ पे मिले यही ये डिसाइड करते हैं कि उस रीजन में किस तरह की फसल यानी क्रॉप पैदा होगी या दूसरी वनस्पतियाँ उगेंगी विच कैन ग्रो इन द रीजन। डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग तरह की मिट्टियों में अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स एंड द टाइप ऑफ सॉइल विच आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग दीज क्रॉप्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे हम कुछ क्रॉप्स के बारे में बताएंगे जो कि कुछ स्पेशल सॉइल में ही होते हैं। तो क्लेई सॉइल एंड लूमी सॉइल ये दोनों ही सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स। दोनों ही सॉइल जो है सीरियल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। सीरियल क्या होते हैं? वीट, ग्राम, है ना। सॉइल आर गुड फॉर रिटेनिंग वाटर। इस तरह की सॉइल क्या होती है जो क्लेई लूमी होती है, ये वाटर को अच्छी तरह से होल्ड कर लेती है। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग वीट क्रॉप इज़ हाउ एवर लूमी सॉइल। अगर आपको वीट उगाना है, गेहूँ उगाना है तो लूमी सॉइल बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? लूमी सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। लूमी सॉइल क्या होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है और ये बहुत उपजाऊ होती है। सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। और जिस सॉइल में क्ले होता है और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस होते हैं उसके अंदर क्या होती है, वेरी गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर इज आइडियल फॉर ग्रोइंग पैडी। तो उसमें सब बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की, यानी वाटर को सोखती नहीं है, वो ऊपर ही रखती है। तो पैडी यानी राइस के क्रॉप के लिए, चावल धान की फसल के लिए अच्छी होती है। फॉर ग्रोइंग लेंटिल, मसूर अगर आपकी दाल अगर आपको उगानी है और दूसरी पल्सेस उगानी है तो लूमी सॉइल जिस चाहिए, जिससे कि वाटर आसानी से ड्रेन हो जाए, आसानी से नीचे की तरफ चला जाए। फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप, अगर आपको कॉटन यानी कपास का पौधा, तो आपको सैंडी लूमी सॉइल चाहिए। क्या करता है, जो कि आसानी से वाटर को ड्रेन कर लेता है और इसके अंदर जो होता है सॉइल के अंदर ढेर सारी एयर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है? तो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, सॉइल कंटेन एयर, सॉइल के अंदर एयर होता है, सॉइल कंटेन वाटर, सॉइल के अंदर वाटर होता है मॉइस्चर के फॉर्म में, नमी के फॉर्म में, सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, सोक अप वाटर, सॉइल क्या होता है, मिट्टी को सोख सकता है, सॉइल आल्सो अलाउ वाटर टू परकोलेट, सॉइल अपने अंदर से पानी को नीचे की तरफ जाने देता है। नाउ हम स्टेप बाय स्टेप इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टडी सॉइल कंटेन एयर। तो एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में हवा होती है, जो सॉइल के छोटे छोटे कण होते हैं। दिस एयर प्रोवाइड द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पायरेशन ऑफ रूट ऑफ प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सॉइल। तो ये जो एयर होती है पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन देती है रिस्पायरेशन के लिए, श्वसन क्रिया करने के लिए, और उन जीव जंतु को भी देती है हवा ऑक्सीजन देती है जो उसके अंदर रहते हैं।
The presence of air in the soil can be shown by performing a simple activity. तो आप presence of air अगर आपको check करना है कि soil के अंदर air की presence है, तो इसके लिए कि हम simple activity करते हैं, साधारण सा प्रयोग करते हैं. और वो activity क्या है कि we take some dry soil in a beaker. ये एक beaker है, इसमें हम कुछ सूखी मिट्टियाँ लेते हैं और फिर क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, फिर सॉइल को अच्छी तरह से वाटर एंड सॉइल को एक ग्लास का रॉड आता है, रॉड छड़ से, कांच की छड़ से नहीं लाएंगे, तो आप देखेंगे इसमें पानी के बुलबुले निकलते हैं, एयर बबल्स निकलती हैं, पानी के अंदर ढेर सारे बबल्स यानी बुलबुले निकलते हैं. These bubbles are of air which are present in the space between the soil particles. तो ये जो bubbles निकलेंगे air के bubbles होते हैं, ये वही air होता है जो soil particle के बीच में होता है. जब हम इसको stir करेंगे, हिलाएंगे, तो क्या होगा कि water in जो space है water part soil particles के बीच में उसमें जाएगा, तो उससे air बाहर निकलेगी और ये air water से होती हुई bubbles के form में बाहर निकलती है. ओके, तो इससे ये क्लियर होता है कि सॉइल के अंदर एयर होता है. सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं, तो सैंड पार्टिकल कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर. तो ये क्या होता है, फिट नहीं होते, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके नहीं होते हैं. सो देयर इज लार्ज स्पेस बिटवीन सैंड पार्टिकल, क्योंकि उन दोनों पार्टिकल के बीच में ज़्यादा स्थान होता है और लार्ज स्पेस होने की वजह से उसमें जो होता है क्या होगा, एयर भी ज़्यादा मात्रा में फिल होता है. ड्यू टू दिस सैंडी सॉइल प्रोवाइड मच मोर एयर टू द प्लांट रूट्स. और इसी वजह से जो सैंडी सॉइल होता है प्लांट्स की रूट को ज़्यादा मात्रा में क्या, एयर प्रोवाइड करता है. और दूसरी तरफ क्लेई सॉइल जो होता है उसके पार्टिकल वेरी स्मॉल होते हैं और एक टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं, बहुत कठोरता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसकी वजह से उनके बीच में एयर कम होती है. सो क्लेई सॉइल जो होता है वो कम एयर जो है प्लांट्स की रूट्स को प्रोवाइड करता है. सॉइल कंटेन वाटर. अब कह रहे हैं कि वाटर इज यूजली प्रेजेंट इन अ थिन फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल. वाटर भी जो होता है सॉइल की पार्टिकल के बीच में होता है ना. तो इसकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इवन अ ड्राई लुकिंग सॉइल है सम वाटर. अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी भी है तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी की मात्रा जरूर होती है. तो इसको चेक करने के लिए हमने एक एक्टिविटी की. एक्टिविटी में क्या किया कि एक हमने बीकर लिया, ये पूरा सिस्टम करें, बर्नर लिया, स्टैंड लिया, उसमें सॉइल को डाला बीकर में और फिर इसको हीट किया और ऊपर से उस बीकर को हमने क्या किया, एक ढक्कन से वॉश ग्लास से ढक दिया. जब इस सॉइल को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, कुछ आप जो ऊपर ढक्कन लगाएंगे उसके ऊपर आपको वाटर वेपर दिखेंगी, पानी की बूंदें दिखेंगी. इससे प्रूफ हो जाता है कि अगर सूखी सॉइल भी है तो उससे कुछ ना कुछ जो होता है सब मात्रा में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है. If we pass through a farmland during the hot summer days, we will see that air above the soil is simmering. हम लोग अगर गर्मियों में किसी खेत के पास से होकर गुजरते तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो हवा होती है मिट्टी के ऊपर वो सिमर कर रही होती है, चमक रही होती है ना, ऐसा लगता है उसके ऊपर कुछ हिल रहा है एयर टाइप का. वो क्यों होता है, द सॉइल ऑफ द फार्मलैंड कंटेन सम एयर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉइल होता है उस खेत की उसमें कुछ ना कुछ वाटर होता है और हॉट समर डेज में क्या होता है, वाटर ऑफ द सॉइल इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर. गर्मी की वजह से क्या होता है, सॉइल की जो वाटर होता है वो वेपर में चेंज होता है एंड द वाटर वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. और जो वाटर वेपर सॉइल से बाहर की तरफ आता है तो रिफ्लेक्ट द सनलाइट इररेगुलरली, तो वो क्या करता है, सन की लाइट को आसमान इररेगुलरली रूप से जो है रिफ्लेक्ट करता है और ड्यू टू विच एयर अबव द सॉइल सीम टू सिमरिंग.
और उसकी वजह से हमको लगता है कि उस मिट्टी के ऊपर जो हवा है वो सिमर कर रही है, हिल रही है. ओके सो दैट्स